तो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बार मैग्नेट्स और उसका कंपैरिजन सोलेनॉइड्स के साथ। दोस्तों सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक वायर होता है जिसमें बहुत सारे लूप्स बना दिए जाते हैं और इसके थ्रू एक करंट आई फ्लो कर रहा होता है ना। तो पिछले चैप्टर में हम सोलेनॉइड्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं, तो इसको कंपेयर करना है हमें एक बार मैग्नेट के साथ। हमें कंपैरिजन में ये पता चलेगा कि एक बार मैग्नेट जो है ना वो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप ये बार मैग्नेट को एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड से रिप्लेस कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको सराउंडिंग्स में मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जस्टिफिकेशन देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बड़ी सिमिलर होती हैं। एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ बनती हैं, वैसे ही सोलेनॉइड की भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे तो सिमिलर टू अ बार मैग्नेट बनती हैं। ठीक है, तो पहला जस्टिफिकेशन तो ये हुआ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर बन रही है तो आप ये कह सकते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड का एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सिमिलर ही होगा, है ना। तो पहला जस्टिफिकेशन तो ये है। तो बार मैग्नेट्स और सोलेनॉइड सिमिलर होते हैं, इसका एक और जस्टिफिकेशन है। अगर हम सोलेनॉइड्स का के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और बार मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करेंगे तो दोनों सिमिलर आते हैं। तो एनसीईआरटी में सोलेनॉइड के एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन है जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। यह आपका सोलेनॉइड होगा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा आई। टोटल लेंथ होगी इसकी 2L, सेंटर आप मान सकते हो O, और ये रही एक्सिस सोलेनॉइड की पासिंग थ्रू द सेंटर। इस पॉइंट P पे, यानी कि एक एक्सियल पॉइंट है P जो एक्सिस पे लाई करता है, उस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सोलेनॉइड का रेडियस है कैपिटल R, पॉइंट O से पॉइंट P का डिस्टेंस है स्मॉल R, ठीक है। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ये स्मॉल r है ये मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R है एंड मच मच ग्रेटर देन 2L है, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है सोलेनॉइड से, ठीक है। इतना दूर है कि ये सोलेनॉइड की लेंथ और सोलेनॉइड का रेडियस मैटर नहीं करता, ठीक है। अब एक और वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे सोलेनॉइड के टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर लेंथ, उसको हम बोलेंगे स्मॉल n, ठीक है। अब अगर टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है और टोटल लेंथ 2l है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? कितने हो गए? n टाइम्स 2l हो गए, n मल्टीप्लाइड बाय 2l, ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो ये रहे बेसिक वेरिएबल्स और बेसिक असम्पशंस हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोस्तों क्योंकि सोलेनॉइड में जो ये लूप्स होते हैं ना, सर्कुलर लूप्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, हम सोलेनॉइड को मान सकते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ रिंग्स है, कि बहुत सारी रिंग्स जो हैं एक के बाद एक बहुत ही क्लोजली रखी हुई हैं, ठीक है। और
एक रिंग की वजह से, एक करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान लो ये करंट था आई डैश, ठीक है ना, इस रिंग में, और ये पॉइंट था कोई एक्सियल पॉइंट पी डैश, ठीक है। तो इस पे, इस रिंग की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी डेरिवेशन हम चैप्टर 4 के वीडियोस में कर चुके हैं। वो होता है, मान लो बी एक्सियल लिखता हूँ मैं उसको, वो होता है न्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर मान लो अगर ये रेडियस होता, ठीक है ना, ये इस रिंग का रेडियस होता आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये डी क्या है, डी है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग एंड द पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस डी है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता इस एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये डेरिवेशन कहाँ से आई है, ये आप चैप्टर 4 के वीडियोस में मैं करा चुका हूँ ये डेरिवेशन, नहीं तो एनसीईआरटी की इक्वेशन नंबर 4.15 है चैप्टर 4 में, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे ये सोलेनॉइड जो है ये बहुत सारी ऐसे ही छोटी छोटी रिंग से बना हुआ है, और हर रिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे, और उन मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे। अब इससे आपको ध्यान आ रहा होगा, छोटी छोटी रिंग्स अज्यूम करेंगे, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रिंग्स अज्यूम करेंगे, और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। यही होता है इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एलिमेंट्स का एडिशन को इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना, वही हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अगर ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है तो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये अभी रहने देता हूँ, इसका काम आएगा। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, आप सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, एक dx रिंग अज्यूम करो, dx थिकनेस की। मान लो आपने ये रिंग अज्यूम करी dx थिकनेस की सेंटर से x डिस्टेंस पर, ठीक है, पॉइंट O से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की रिंग अज्यूम करी, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि ये dx रिंग, dx थिकनेस की रिंग में कितने लूप्स होंगे। देखो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, और लेंथ कितनी है dx, तो टर्न्स पर टोटल टर्न्स इन रिंग हो गया n मल्टीप्लाइड बाय dx, है ना। तो अगर n रिंग्स, एक रिंग में n लूप्स हैं, n टर्न्स हैं, ठीक है, तो उसमें करंट कितना जा रहा होगा, सिंगल टर्न से करंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, तो करंट इन अ रिंग कितना हो जाएगा, एक टर्न से करंट आई जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई एन डी एक्स, ठीक है। ये तो आपका आ गया। अब ये जो फॉर्मूला था वो एक सिंगल रिंग के लिए था, ये आई डैश करना था, सॉरी, ठीक है ना, वो एक सिंगल रिंग के लिए था। तो इस आई डैश की जगह आप ये टोटल आई एन डी एक्स डाल दोगे। ये देखो, ये एक रिंग थी जिसमें आई डैश करंट फ्लो कर रहा था, तो आप इस फॉर्मूले में आई डैश लिखते हो। हम जो रिंग अज्यूम कर रहे हैं ये वाली, इसमें टोटल करंट है आई टाइम्स एन डी एक्स, तो इस आई डैश की जगह आप लोग आई एन डी एक्स सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ रही, और उसके बाद अब सवाल उठता है कि ये आर स्क्वायर तो आपका रेडियस बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, आर की जगह आर ही लगेगा। सवाल ये उठता है कि ये डी कहाँ से लाएँ, यानी कि ये जो रिंग का डिस्टेंस था वो कहाँ से लाएं। अब देखो, ये रिंग का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट पी से चाहिए, ठीक है।
आपको पता है कि सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट पी से आर है, स्मॉल आर। आपको पता है कि सेंटर का डिस्टेंस इस रिंग से स्मॉल एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल आर है। तो आपको पता है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एक्स। डायग्राम में इजीली विजिबल है। ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस आर माइनस एक्स है। ठीक है, ये आपका डायग्राम में इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो d की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे r माइनस एक्स, i डैश की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे i n डी एक्स, डी की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे r माइनस एक्स और इस फॉर्मूले में आप डाल दोगे। ठीक है, और क्योंकि हम एक स्मॉल d स्मॉल रिंग के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो b एक्सियल की जगह आप लिख दोगे db। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिख ही देते हैं, म्यू नॉट आई आई एन डी एक्स रेस टू पार आर स्क्वायर, आर की जगह तो आर ही लगना है, डिवाइडेड बाय टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू पार थ्री बाय टू। आई होप ये क्लियर है। आई डैश जो था वो था टोटल करंट इन द रिंग, और वो टोटल करंट इन द रिंग कितना है हमारा, करंट इन वन लूप, करंट इन वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आई एन डी एक्स। डी क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड द पॉइंट, वो कितना है हमारा आर माइनस एक्स। ठीक है, तो उससे हमारा ये टोटल फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है, फाइनली हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। कहाँ से कहाँ तक करोगे, देखो ये सेंटर है मान लो, लेंथ कितनी थी हमारे सोलेनोइड की 2L है ना। अब सेंटर को अगर आप जीरो मानोगे तो एक एंड की एक एंड आएगा प्लस L पे, एक एंड आएगा माइनस L पे, और टोटल लेंथ हो जाएगी माइनस L टू प्लस L यानी कि 2L। ठीक है ना, तो आप करोगे इंटीग्रेट इसको माइनस L टू प्लस L। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। बस अब क्या करना है, आपने ये एज्यूम कर रखा है, कर रखा है, तो यहाँ पे देखो x जो है वो 2l से भी छोटा है ना। x ये है, x इज सेंटर से डिस्टेंस किसी पार्ट का सोलेनोइड के, और 2l है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सोलेनोइड है ना। तो x अगर 2l से भी छोटा है और r जो है वो मच मच ग्रेटर देन 2l है, तो आप ये इग्नोर कर सकते हो, कर दिया हमने इग्नोर। फिर देखो r जो है वो मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R है यानी रेडियस ऑफ सोलेनोइड, तो आप ये भी इग्नोर कर दोगे। ठीक है, अब बचेगा क्या, आर स्क्वायर रेस टू पार थ्री बाई टू। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास टोटल बी क्या आ जाएगा, सिर्फ डी एक्स डी एक्स बच जाएगा, ऊपर आर कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, आई एन न्यू नॉट टू सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सब बाहर आ जाएंगे, न्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बाई टू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टू एल, अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हो तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है टू पाई से। ठीक है, यहां आ जाएगा न्यू नॉट बाय फोर पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एन टू एल आई इंटू टू इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देख लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, ये होता है आपका एरिया,
एन मल्टीप्लाइड बाई टू एल होता है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल है, एन है, तो टोटल टर्न्स आ गए एन इंटू टू एल। आई होता है आपका करंट और टू तो कांस्टेंट है, टू को भी हम बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दिया, हो गया, एक्स नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन ही है। तो अब ये देखो, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। तो आप ये लिख सकते हो न्यू नॉट बाय फोर पाई टू टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स एरिया और करंट, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ दोस्तों, मैं एम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय करंट इज इक्वल टू एन इंटू टू एल इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, यही है, इज इक्वल टू एम, एम क्या है, इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया इंटू करंट, आई ए होता है ना करंट का फॉर्मूला, एन आई ए, ये याद करो, ये याद आ जाएगा आपको, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए, ठीक है, टू एम डिवाइडेड बाई फोर पाई आर क्यूब। तो फाइनली आपके पास आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा वो आपका फॉर्मूला है फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट फॉर अ सोलेनॉइड, ठीक है ना, एट फार अवे डिस्टेंसेस, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आएगा। और अगर आप एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट के लिए कैलकुलेट करोगे तो भी सिमिलर फॉर्मूला आपको मिलेगा। इसका मतलब हमें पता चलता है कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड्स जो हैं वो सिमिलरली बिहेव करते हैं, ठीक है।